हेलो एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक्वालॉजिका रेडियंस टूई सनस्क्रीन का एक छोटा सा रिव्यू। पर्सनल ओपिनियन मैं अपना शेयर करूँगी इस सनस्क्रीन के लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसकी पैकेजिंग आपको काफ़ी अच्छी कार्डबोर्ड में मिलेगी जिसमें आपको अच्छा। तो ये है वाटरमेलन एंड नाइसिनेमाइड इल्यूमिनेट प्लस हाइड्रेट सनस्क्रीन। इसके अंदर आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको मेंशन होंगे और इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मेंशन किया हुआ है। एंड इसका प्राइस है 399। ये ओरिजिनल प्राइस है बट आपको सेल में ये अप टू 300 तक इजीली अवेलेबल हो जाएगा। दिस क्लेम्स नो सल्फेट्स, नो पैराबेन्स, नो फॉस्फेट्स एंड नो मिनरल ऑयल। तो अगर आपको नहीं पता है कि पैराबेन सल्फेट क्या होते हैं तो ये हमारी स्किन के दुश्मन होते हैं, इनको हमें अपनी स्किन के कांटेक्ट में कम से कम लाना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाओ तो वो सल्फेट फ्री हो, पैराबेन फ्री हो। इसकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में हम देखें तो इसमें एक्वा है, ग्लिसरीन है, स्टार्च है और काफ़ी सारे बेनिफिशियल सॉल्यूशन डाले गए हैं इस सनस्क्रीन में जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो अच्छा, तो इसका जो हम प्राइस देखते हैं वो है आप ऑलमोस्ट 400। तो ये मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी बजाय बाकी के, बट इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसका जो टेक्सचर है, एवरीथिंग इज़ जस्ट ऑन द पॉइंट। तो मैंने इसको अभी तक नहीं ख़रीदा था तो मैं इसको लास्ट 1 वीक से ट्राई कर रही हूँ और मुझे सम चेंजेस दिखे। लाइक मुझे पहले कुछ और दिखा, फिर उसके बाद मैंने और इसको यूज़ किया तो मुझे इसके बारे में कुछ और पता चला। अगर आपकी स्किन ड्राई स्किन टाइप है या फिर नॉर्मल स्किन टाइप है तो आप इसे आँख बंद करके यूज़ कर सकते हो। ये आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी और आपको सन से प्रोटेक्ट करेगी एंड ऑल्सो इतना प्यारा ग्लो देगी कि आपको इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको मेकअप की नीड पड़ेगी क्योंकि आपका फेस ऑटोमेटिक इतना ग्लो करेगा। और अगर बात करें ऑयली स्किन की तो उसके लिए जस्ट लाइक मेरी ऑयली स्किन टाइप है तो मैंने जब इसको फर्स्ट डे स्टार्ट किया तो ये मुझे काफ़ी डिसेंट सनस्क्रीन लगी। मेरे फेस पे अच्छे से ग्लो आ रहा था, मुझे सन से भी प्रोटेक्ट कर रहा था और एक काफ़ी अच्छा सा टिंट भी था मेरे फेस के ऊपर जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। बट एक दो दिन में वेदर थोड़ा चेंज हुआ और कुछ ज़्यादा ही ह्यूमिडिटी हो गई तो ह्यूमिडिटी से मेरा फेस थोड़ा सा यू नो चिपचिप करने लगा। अभी आपकी अगर एक्सट्रीम लेवल पे ऑयली स्किन है तो यार आप इसको यूज़ मत करना क्योंकि समर्स में ऑलरेडी हमारी स्किन काफ़ी स्वेट करती है। तो आप मैट सनस्क्रीन की तरफ कोई भी अच्छी मैट सनस्क्रीन यूज़ करें। अभी इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी क्रीमी एंड थोड़ा थिक सा दिखता है बट जब हम इसको ब्लेंड करते हैं तो वो एक सीरम फॉर्म में आ जाता है और आपको विद इन लगाते ही आपको काफ़ी अच्छा ग्लो ये देगा। सो ऑल एंड ऑल ये मैं इसको रेट करूँ तो मुझे ये मेरी स्किन के लिए 10 out of 9 लगा। बाकी ड्राई स्किन के लिए और नॉर्मल स्किन टाइप के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग। बाय बाय।